शेखर सुमन ने किया प्रियंका को अपने शो में इनवाइट, निमृत और प्रियंका के बीच हुई फाइट। जी हां, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 के घर में गेस्ट बनकर आए शेखर सुमन ने किया प्रियंका को अपने शो में इनवाइट, प्रियंका और निमृत में फिर हुई फाइट। दरअसल बीते रात संडे के बार में शेखर सुमन घर वालों से मिलने आए, जब उन्होंने अपने शो बिग बुलेटिन शेखर सुमन की बात की, जहां पर उन्होंने घर वालों को ये क्लियर किया कि आखिर उनके नजरिया में घर का हर सदस्य कैसा है और किस तरह से खेल रहा है। ऐसे में शेखर सुमन ने अपने शो में प्रियंका को इनवाइट किया, जहां पर उन्होंने प्रियंका से ये सवाल किया कि गौतम के दिए गए टैग जगत माता से क्या प्रियंका संतुष्ट है, जिससे प्रियंका ने बताया कि वो बिल्कुल भी इस टैग से सहमत नहीं है, क्योंकि वो एक मामले को सुलझा रही थी, मान्या को शांत कराना चाहती थी। जबकि इस मुद्दे पर निमृत बोल पड़ी और उन्होंने बताया कि कैसे प्रियंका मामले को सुलझाने की जगह और भी उलझा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो चीज शांत हो चुकी है वो दोबारा शुरू हो चुकी है सिर्फ प्रियंका के कारण, जिससे प्रियंका इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और निमृत को पलट जवाब देते हुए ये कहने लगी कि निमृत तो कैप्टन बाद में बनी है, लेकिन पहले तो इंसान है। जब मान्या को पागल बेवकूफ कहा जा रहा था, तब निमृत को एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि इस तरह निमृत को जज करते देख निमृत भड़क गई और प्रियंका को वार्निंग देती नजर आई, कहा कि वो बिल्कुल भी पर्सनल ना जाए, क्योंकि निमृत प्रियंका के माइंड या फिर उनके सोल को जज नहीं कर रही, जिससे शेखर सुमन के चलती शो में दोनों के बीच फिर लड़ाई हो गई। वेल, ये लड़ाई कौन सी मोड लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिग बॉस 16 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।